आई थिंक सबसे चैलेंजिंग पार्ट एक फिल्म में होता है स्टोरी टेलिंग जो कहानी आपने चुनी है वो कहानी की एक एक चीज़ आप सही पर्दे पे ला रहे हैं या नहीं टेक्निकलिटी सब ठीक है अपनी जगह पे हैं आ, वो सब ये सपोर्ट करने के लिए कि आप कहानी जो कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं आ, जब आप लिख रहे होते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये ये कैरेक्टर इस वजह से ऐसा है उस वजह से ऐसा है ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए और जब शूट करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें कहनी हैं और बहुत कम समय में कहनी है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है एंड दैट इज़ वाट दैट इज़ वाट टेक्स दैट इज़ वेयर ऑल द टेक्निक एंड स्टोरी एवरी थिंग कम्स टुगेदर Uh, uh, जैसे uh, कहा गया कि ट्रू इंसिडेंट uh, से इंस्पायर है और वो यू you नो know, दोहा कोची फ्लाइट थी 2015 में प्लीज मेक मी करेक्ट इफ एम रॉन्ग समवेयर क्या आपने उन लोगों से भी मुलाकात करी या पायलट से भी मुलाकात करी है उनके अपने जाति तजुर्बे जी नहीं जो जो हमने पढ़ा और उसके बाद हमने जैसा कि मैंने कहा कि इंस्पायर uh, है सो वी आर इंस्पायर्ड बाय मोस्ट ऑफ इट बट वी नॉट किसी की पर्सनल कहानी या कुछ ऐसे हम उस 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 रास्ते गए नहीं आई मीन I mean, मैंने जैसे उनको भी कहा था द फर्स्ट डे आई वॉकड इन ऑन द सेट आई वाज वेरी नर्वस टू बी ऑनेस्ट एंड इट 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 फेल्ट लाइक देर वॉज अ यूनिसेंस इन द होल प्रोसेस लाइक राल्शन वी हैड इलेवन कैमराज ऑन सेट इट वॉज वेरी अनर्विंग द होल थिंग But uh, very, very quickly, uh, I felt at home. I was made to feel at home uh, because of Ajay, sir. I would say he, he just like, there was a calmness on set. And yes, uh, Rakul is right about the, the prank. I don't think he had the time for it because every time on set, it would be, it would, there, would be a, there would be a calm on set.

सब लोग बोल चुके हैं कि है ना बारह कैमरा ग्यारह कैमरा के साथ शूट किया है पर आ, उसी तरह से लाइक like, मैंने भी अपनी लाइफ में अभी तक तो कभी बारह कैमरा के साथ शूट नहीं किया और कितनी फिनेस के साथ में हर शॉट को सर करते थे और वॉट ही एक्चुअली नोज़ वॉट ही वॉन्ट्स एंड उसने uh, उस चीज ने इतना सारा टाइम हमारा सेव किया है, के साथ हुआ है। सवाल, कहा गया टेक्निकलिटीज बहुत समझी आपने जो टेक्निकल एस्पेक्ट था और आपके लिए क्योंकि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में यू अंडरस्टैंड सिनेमा यू अंडरस्टैंड डायरेक्शन आपके लिए जो आपको खुद लगा कि हाँ यार ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट है